क्योंकि इस वक्त पर जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है और पिछले जो हमारे थे उन्होंने एकदम जो है नील स्तर पर आप जीत दर्ज कर लिए कंगना रनौत ने, उसके बाद वो बाइट दे रही थी। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त, अमित शाह ने जीतन राम मांझी से बातचीत की है और कल मीटिंग भी होने वाली है एनडीए की और न्योता भी दिया जा रहा है एनडीए की बैठक में शामिल होने का। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की मीटिंग होगी, यानी कि अनुपम ये लग रहा है कि क्लाइमेक्स और पिक्चर अभी बाकी है। जाहिर तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जीतन राम मांझी को यहाँ पर बधाई दी है, फोन करके बधाई दी है एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता, यानी कि एनडीए जो अभी नंबर आप देख रहे हैं रुझानों में हो बनाकर रखने के लिए कि वो एनडीए बना रहे, वो यहाँ पर क्योंकि एनडीए में फूट ना हो या एनडीए में जो बाकी दल है वो किसी तरह से यहाँ पर एसपी के वीरेन सिंह आगे चल रहे हैं, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे पीछे चल रहे हैं और एक मार्जिन बड़ा है पीछे चलने का महेंद्र नाथ पांडे का, केंद्रीय मंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी के वीरेन सिंह भी आगे चल रखे हैं समाजवादी पार्टी को अच्छा यहाँ पर मार्जिन। लोधी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? और सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है इस वक्त, आज शाम बीजेपी ऑफिस जाएंगे पीएम मोदी, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हलचल तेज हो गई है, देखिए पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एनडीए में भी हलचल तेज हो गई, इंडिया अलायंस भी अपने ऑफिस, राहुल गांधी थोड़ी देर पहले अपने ऑफिस पहुंचे हुए थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि आज शाम ऑफिस जाएंगे पीएम मोदी, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। परिणाम जो है हमारे आशा के अनुकूल नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं है, सरकार बन रही है, मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, वो बधाई देते हुए कई लोगों को नजर आ रहे हैं जिन्होंने जीत दर्ज किए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, और वो आश्वस्त भी हैं जीत को लेकर। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज शाम बीजेपी ऑफिस में जाएंगे पीएम मोदी, जो कि जिनकी अनुपम लगभग तय जीत मानी जा रही है, 1.5 लाख से ज्यादा वोट अब तक उनको पड़ चुके हैं और कुछ वोट योगेश जी के पास। एक बार चलूंगा योगेश।